जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये है अब आगे की वीडियो, ये है माँ सरस्वती का उद्गम स्थान, जहाँ पर वो अपने दर्शन देती हैं और इसके बाद वो आगे जाके विलुप्त हो जाती हैं और कहीं भी आपको उनके दर्शन फिर पुनः नहीं मिलते हैं। और ये जो द्वार आप देख रहे हैं, इसको स्वर्ग रोहिणी नाम से बोला जाता है। ये स्वर्ग रोहिणी क्यों है? क्योंकि यहाँ से 5 पांडव द्रौपदी के साथ गए थे और वो द्रौपदी की जी के साथ जो है स्वर्ग की ओर बढ़े थे। साथ में उनका एक डॉगी भी था, कुत्ता भी था, जो उनके साथ गया था। ये माणा जो हिंदुस्तान की प्रथम दुकान कही है या आखिरी, यहाँ तक भारत की सीमा रहती है, यहाँ तक ही वो जो है यहाँ से उन्होंने स्वर्ग जाने का रास्ता अपनाया था। यहीं से वसुधारा के लिए भी जाना होता है, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ जाने से पहले आपको समय का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपका जाना और वापस रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं रिटर्न कर पाए और रात ज़्यादा हो गई तो अकेले होने के कारण भय भी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे यहाँ पर हमने, जब हम यहाँ के लिए निकले तो अब हम देखो स्वर्ग रोहिणी के लिए दो रास्ते जाते हैं। पहला वसुधारा, वसुधारा होते हुए भी सतोपंत जाया जाता है, ठीक है, और उसके आगे भी बहुत कुछ है जहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी दिखती हैं, लेकिन हम सिर्फ वसुधारा तक ही जाएंगे क्योंकि उससे आगे का रास्ता बहुत ही टफ और काफ़ी लंबा है। काफ़ी लंबा समय चाहिए, 6 से 7 दिन चाहिए। उसके लिए भी हमें बहुत से लोग, यानी ग्रुप आपका होना चाहिए, साथ ही वहाँ के लोग भी होने चाहिए जो आपको वहाँ का रास्ता बता सके, क्योंकि आपको बाद में अंदर बर्फ में ही अपना टेंट लगा के रहना पड़ेगा। इसलिए अभी हम सतोपंत की बात नहीं करेंगे, अब हम सीधे बात करेंगे वसुधारा की। तो जब हम वसुधारा, हमने भी काफ़ी वीडियो देखी थी, जो बाद में हमने देखा कि बहुत तरीके की वीडियो जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाई हुई थी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि पहले ये ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था क्योंकि इतने अच्छे रास्ते नहीं थे, लेकिन अब इतना मतलब कठिन नहीं है। हाँ, रोड्स और यहाँ की जो ट्रैकिंग है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि सीधे आपको स्ट्रेट में चलना पड़ता है और 7 पहाड़ क्रॉस करने होते हैं, ठीक है, जिसको आप कम से कम 3 घंटे का सफ़र एक तरफ से मान लीजिए, वो भी अगर आप कंटिन्यूस चलते हैं तो। और अगर आप कंटिन्यूस नहीं चलते हैं तो आपका ये सफ़र टाइम ले सकता है, ठीक है। तो 3 घंटा जाना, 3 घंटा आना, 6 घंटे तो आपके जाएंगे ही। साथ ही आपकी बॉडी में इतना स्टैमिना तो होना चाहिए कि आप जो है ऊँची चढ़ाई को चढ़ पाएँ, ठीक है। ये वसुधारा के लिए हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, 15-20 लोगों को तो हम देख चुके थे कि 15-20 लोग, और हम मन ही मन में सोच रहे थे कितने भाग्यशाली हैं ये सब जो ये वसुधारा जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बीच में कुछ और ही हो रहा था, जो 15-20 लोग जा रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग तो लौट के वापस जाने लगे। किसी ने बोला कि नहीं, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, हम नहीं जा सकते। कुछ ने कहा कि अरे वहाँ तो सिर्फ एक झरना है, उस झरने को देखने के लिए क्यों जाना है, हमें नहीं जाना, वो भी लौट गए। इस तरह से हमने बहुत सारे लोगों को किसी न किसी बहाने से लौटते हुए बीच रास्ते से देखा। अब कुछ ही चंद लोग बचे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था। और एक बात तो मुझे समझ आ गई थी, वहाँ तक सिर्फ पुण्य आत्मा ही पहुँच सकती है, जिसके अंदर प्रभु को लेकर अनंत भाव हो। जब भाव नहीं है तो वास्तव में झरना देखने क्या जाओगे भाई, जलप्रपात ही तो है, जलप्रपात का क्या देखना। रही बात बूंद गिरने की, तो संसारी मनुष्यों के हिसाब से जिस तरफ की हवा चलेगी वो झरना गिर ही जाएगा। ऐसे ही शब्द हमने कुछ वहाँ से आने वाले लोगों के मुख से भी सुने, उन्होंने कहा रे जलप्रपात है, सब पर गिर ही जाएगा। ये सुनते हुए हमें मन ही मन बहुत हंसी भी आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था। अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि हम उनके मन भाव को समझ पा रहे थे, वो जिस कंडीशन से जा रहे थे उसी कंडीशन में वापस लौट रहे थे। अरे भाई हमारा भाव वैसा नहीं है, हमारा भाव तो ये है कि प्रभु ने हमें स्वप्न दिया,
स्वप्न के द्वारा हमें वहाँ तक बुलाया, इसका मतलब ये बहुत ही विशेष है। ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर कुछ तो विशेष है वहाँ जहाँ हमें ज़रूर जाना चाहिए। भले ही कठिनाई होगी कोई बात नहीं, सांस की प्रॉब्लम होगी, देखा जाएगा इस शरीर का क्या है, कभी ना कभी तो ख़त्म होना है, कोशिश करते हैं, जहाँ तक जा पाएंगे जैसा होगा देखा जाएगा। और इसी विचार और पूरे भाव के साथ, नहीं नहीं मेरे प्रभु द्वारा संदेश है, ये वसुधारा ऐसे ही तो नहीं हो सकती, क्यों यहाँ लाखों लोग बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करते हैं लेकिन चंद 10-15 लोग ही वसुधारा तक जाते हैं, ऐसा क्यों? ये बात विचार में लेते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। वास्तव में खाइयाँ हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, अगर गलती से भी पैर इधर गया तो सत्य में राम राम सत्य होगा लेकिन डरना किस बात से, पहले से ही सब रच के रखा हुआ है। अगर आपका जीवन यहाँ पर अंत लिखा है तो वो होगा, सावधानी बरतना हमारा काम है, हम सावधानी से चल रहे हैं। और यही चीज़ चलते चलते हमने ये सुंदर सुंदर दृश्य आप सबके लिए संजोए अपने फ़ोन में। DSLR लेकर वीडियो बनाना और भाई उस पर फालतू में पैसे खर्च करना मुझे तो व्यर्थ लगा, इसीलिए हमारा कैमरा ही सर्वोत्तम है, हमें तो उसी में सब कुछ आनंद मिल जाता है। यहाँ सोना ने कहा उसका भी एक पोज लेते हैं भाई और यही करते करते बार बार हम थक रहे थे और बार बार हम बैठ रहे थे, लेकिन सच कहूँ जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ना, ठंडी ठंडी हवा बढ़ती जा रही थी। ये जो आप घास देख रहे हैं ये घास नॉर्मल नहीं है, इस घास को आप हर जगह नहीं देख पाएंगे, ये घास आपको बहुत ही ऊंचाई पर पहाड़ी इलाकों में या ग्लेशियर्स के आसपास ही ये प्राप्त होती है। साथ ही मैं आपको एक ऐसा पौधा भी यहाँ दिखाऊंगी जिस पे कि काले रोज़ आते हैं, काले रंग के, और वो इसी जंगलों में या आगे जितने हम बढ़ते जाएंगे वहाँ पर ये प्रजाति पाई जाती है। और ये प्रजाति भी किसी देश की, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये है वो पेड़, इस पर काले छोटे छोटे गुलाब आते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। इस समय इनके खिलने का समय नहीं है इसलिए ये नहीं खिले, लेकिन ये जो दूब घास है, इसको दूब घास आप कह सकते हैं, ये दूब घास की तरह है, बहुत ही कोमल और बहुत ही शाइनी, मतलब चमकदार घास। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मौसम सुहावना होता जा रहा है, आगे चमकता हुआ एक ग्लेशियर भी हमको दिख रहा है। मैं तो पूरा आनंद ले रही थी, मैं इन दोनों से पहले ही आगे भाग जाती थी और आगे जाके वीडियो शूट करती थी और पहले ही रेस्ट कर लेती थी। पीछे से अंजू और सोना जो है आते थे और फिर मैं इनको भी बैठने का समय देती थी कि बैठो बैठो तुम लोग बैठो, फिर इनके साथ रेस्ट करती थी, अगेन मैं भाग के आगे पहुँच जाती थी और इस प्रकार मैं डबल रेस्ट कर रही थी और यहाँ पर कुछ ऐसी मज़ेदार बात भी हुई जो मैं वीडियोस में तो नहीं बताऊँगी आपको, लेकिन हाँ जिनसे मेरी थोड़ी बहुत चर्चा होती है उनको तो मैं वो शेयर कर ही देती हूँ। यहाँ आके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा चल दिव्या एक दो वीडियो शूट कर लेते हैं, आनंद आ रहा है। आ हा हा, घास में सोने का तो आनंद आ रहा था, पर अचानक से मुझे ध्यान आया, अरे दिव्या कहीं से कोई जीव ना आ जाए, वो कहे चलो 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 ज़रा इसके पास टच करके आते हैं, फिर मैं उठ गई और ये सोचते हुए मैं इन वीडियोस का बहुत आनंद ले रही थी। पानी की बोतल एक ले लिया था, माँ सरस्वती का पानी, मैंने कहा जितना पी लो उतना कम है, ज्ञान तो मिलेगा इस जन्म में न सही, अनंत किसी जन्म में ज्ञान तो मुझे मिल ही जाएगा। इसी भाव से पूरे बोतल का पानी अकेली दिव्या सिंह ने पी डाला। उनके पास अपना पानी होगा ऐसा नहीं है, उनके पास चॉकलेट्स भी थे, हम चॉकलेट्स भी लेके गए, कुछ खाने के लिए ज़रूर लेके जाना चाहिए जो आपको थोड़ा सा एनर्जी दे। अब आप कहोगे चॉकलेट में क्या एनर्जी है भाई, मीठा ले लो कुछ भी, अब वहाँ चॉकलेट ही अवेलेबल थी, हमने चॉकलेट ले ली, पानी ले लो, बिस्किट ले लो, लेकिन कुछ आपके पास होना चाहिए जब आप 3 से 6 घंटे के सिर्फ चलने वाले मार्ग पर हो, क्योंकि कुछ खाने से कुछ एनर्जी दे, कभी कभी मीठा खाने से भी एनर्जी मिलती है, मुझे तो मिलती है। और मैं बार बार जाकर आगे पहुंच रही थी और इसी प्रकार मैं इन वीडियोस को आप सबके लिए बना के रख रही थी। चलो बाद में दिखा दूंगी, मेरी सांस भी अच्छी खासी फूल रही थी, बार बार मुंह से और नाक से दोनों तरफ से मुझे सांस लेनी पड़ रही थी। हाँ, सोच के मुझे अब भी ये वैसी ही फीलिंग आ रही है कि मैं चल रही हूँ लेकिन हवा ठंडी ठंडी, आगे आगे बढ़ते बढ़ते
बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी और बहुत ज़्यादा मुझे आनंद आ रहा था। मेरे मन में बहुत सारे भाव चल रहे थे, मैं ये सोच रही थी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कोई भी लोग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग वापस लौट गए, क्योंकि मैंने कहा ना पुण्यवान व्यक्ति ही यहाँ तक पहुँच सकता है। टफ भी है, ये कुछ लोग हैं जो वहाँ से स्नान करके, और सॉरी स्नान नहीं किया किसी ने भी, किसी ने तो जूते चप्पल भी वहाँ नहीं उतारे, इतना ठंडा पानी था। पर मैं उनसे पूछती जा रही थी, बताओ बताओ कितनी दूर और है, उन्होंने कहा एक पहाड़ और सब झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो हमें मतलब थकाना नहीं चाहते थे। यहाँ पर ही अंकल जी मिले, मैंने अंकल जी से पूछा बताइए अंकल जी कैसा लग रहा है, लेकिन अंकल जी बैठ कर यहाँ पर अपना अलग आनंद ले रहे थे। उन्होंने कहा बहुत आनंद आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आनंद ले रहा हूँ। और वहाँ पर मैंने दी सोना को आवाज़, सोना पीछे से अपना दुपट्टा लहरा रही है, पीछे भाई सफ़ेद सफ़ेद ग्लेशियर्स हैं। ये देखिए, ये हैं वो पुण्यात्मा जो इतनी उम्र होकर भी, और ये सब गांव से आए हुए हैं। मैंने देखा कि ज़्यादातर जो वहाँ पर पहुँचे थे उनमें से कुछ ब्रजवासी लोग भी थे और कुछ गाँव से आए हुए थे जो कि हमारे ही यूपी साइड के थे, जिन्होंने इस यात्रा को पूर्ण किया था। बाकी तो मतलब ज़्यादा लोग मुझे नहीं मिले, ठीक है, बहुत ही साधारण लोग जिन्होंने इस यात्रा को पूर्ण किया। और मैं समझ पा रही थी ये वही लोग हैं जिनकी श्रद्धा ईश्वर को लेकर अधिक है, और अधिक श्रद्धा ईश्वर के लिए उन्हीं लोगों की होती है जिनकी एजुकेशन भगवान को लेकर ज़्यादा होती है, हमारी आज मॉडर्न एजुकेशन से। तो यही सोचते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। ये देखिए सुंदर सुंदर, आप ये जो रूप रंग देख रहे हैं, आहा हा, चारों तरफ सुंदर ठंडी हवा, और ये पगडंडी पीछे से सोना और अंजू, ये दोनों आ रहे हैं। इन दोनों को भी मैं वीडियो में शो कर रही थी, पीछे से सोना बोल रही है हमें मत दिखा। मैं क्यों ना दिखाऊं, दिखाऊंगी। पर एक और बात कहूं आपसे, इतना चलने के बाद भी ना 54 वज़न कम नहीं हुआ मेरा, इतना चली लेकिन 54 वज़न कम नहीं हुआ। बीच में कुछ झरने पड़ते जा रहे हैं, वो झरने हैं, आप देखिए किस तरह का, बहुत डिफ़िकल्ट है ये, मैं कहूँगी कि हाँ टफ है, जाना टफ है, लेकिन भाव अगर आपका ऊँचा है तो आप 100% पहुँचोगे। प्रभु की राह इतनी सरल होती तो सब लोग ना पहुंच जाते, ये तो सत्य है, सब पहुंच जाते, लेकिन सब तभी पहुंच सकते हैं जब आपका भाव बहुत ऊंचाई पर हो। और उसी भाव को लेते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं। मेरी सांस बहुत बुरी तरह मतलब भर गई है, थक गई हूँ मैं, थोड़ा इंतज़ार भी कर रही हूँ। यहाँ से हमें वसुधारा दिख गई, लग रहा है ना कि ये बहुत पास है। अभी 3 पहाड़ और बाकी हैं जो हमें पार करने हैं, लग तो रहा है कि बहुत पास में है लेकिन है नहीं। अभी हमको पूरा 1 घंटा चलना है। तभी ये घास मेरे को बहुत आनंद दे रही थी, तो मैं इस आनंद को लेते हुए जा रही थी। चलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये वसुधारा और जहाँ स्वर्ग रोहिणी से हमने जो चलना शुरू किया, वहाँ पर सरस्वती माँ का जो उद्गम स्थान है, वहीं पर भीम ने अपनी लात से एक शिला को गिराया था, और उस नदी को पार करने के लिए उन्होंने द्रौपदी जी के लिए रास्ता बनाया था भीम ने। तो द्रौपदी ने वहीं पे जो आपने देखा माँ का जो मंदिर का नाम लिखा हुआ है त्रिपुर सुंदरी, वो मंदिर माँ द्रौपदी का ही है, उन्होंने अपने प्राण वहीं त्यागे थे। और उसके आगे बढ़कर जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ रहे थे स्वर्ग जाने के लिए शरीर के साथ, तो ये जो वसुधारा आप देख रहे हैं, यही वसुधारा पे उनके सबसे छोटे भाई सहदेव ने प्राण त्यागे थे, और यहीं पर अर्जुन ने अपना गांडीव भी छोड़ दिया था, और उसके बाद वो आगे की ओर प्रस्थान कर गए। हम सिर्फ वसुधारा तक गए हैं, आगे का अगर कभी कोई मुकाम ठाकुर जी ने आज्ञा दी और हमारे भाग्य में हुआ तो हम अवश्य वहाँ तक भी पहुँचेंगे जहाँ तक कि
प्रभु की आज्ञा होगी। बाकी मैं पहले से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि होए वही जो राम रचि राखा, तो प्रभु ने जो रच के रखा है होगा तो वही। तो हमारे लिए भी प्रभु ने पहले से ही कुछ सोच के रखा होगा, तो हम भी वही करेंगे। फिलहाल तो आप ये सुंदर वादियों को देखो। मेरे जीवन में मैं पहली बार इतने ऊंचाई तक पहाड़ों पर गई हूँ। पहले मैं माँ तारा देवी के दर्शन किए, अपने जीवन के प्रथम दर्शन जो सबसे ऊंचाई पर थे। उसके बाद केदारनाथ बाबा, उसके बाद बद्रीनाथ, सबसे ऊंचे बद्रीनाथ, और अब वसुधारा। अब धीरे धीरे हम ये जो आप सफ़ेद चमकते ग्लेशियर्स को देख रहे, इसी के पीछे हैं हमारे केदारनाथ बाबा। अफसोस, ये पहाड़ पार करके हम नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी क्षमता हम में नहीं है। कहीं ना कहीं लुढ़क जाएंगे और किसी पहाड़ में दबके स्वाहा। लेकिन इस शरीर का भी स्वाहा नहीं कराना है, क्योंकि इस शरीर ने अभी बहुत कुछ देखना है और बहुत कुछ सहना भी है, अच्छा और बुरा दोनों ही, बाकी ईश्वर के हाथ में। आप ये देखिए कि ये 400 मीटर की ऊंचाई से गिर रही वसुधारा हिमालय से होते हुए अनंत औषधियों को अपने में संजोए हुए गिर रही है, जिसे देखकर अनंत खुशी हो रही है। बीच में हमें ये बाबा मिले, जिन्होंने हमें भगवत गीता के बारे में बताते हुए उन्होंने हमें तिलक लगाया, और लौटते वक्त इन्होंने माला भी मुझे पहनाई, मुझे, सोना, अंजू को। और यहाँ पर जो दान की बात करते हैं ना हम लोग, तो कुछ ऐसे दान हमें ऐसे स्थानों पर करने चाहिए जो इतने गुप्त स्थानों पर रहते हैं, इनको आवश्यकता होती है। खैर, उसके बाद करते करते यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, क्योंकि डबल ट्रिपल वस्त्र पहने थे, तो भाई हम सिंगल वस्त्र में अब आ गए हैं, और डबल वस्त्र उतार दिए हैं, क्योंकि मुझे मालूम था, मैं घर से ही डिसाइड करके गई थी कि वसुधारा आपकी एक बूंद पड़े ना पड़े, भाई मैं तो डुबकी मारूंगी। मुझे नहीं पता पुण्य है पाप है, मैं तो जब डुबकी मार लूंगी तो आप तो स्वयं ही मुझ में समाहित हो जाएंगी। लेकिन मेरा कथन उल्टा निकला। जाते ही वसुधारा जी ने पूरा हमें पहले ही भिगो दिया, हम पूर्णतः भीग चुके थे। अब तो नहाना ज़रूरी था, अभी मैं नहाने गई नहीं हूँ, मैं पहले ही भीग चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ बिल्कुल वसुधारा के नीचे नहाने के लिए। बहुत ठंडा पानी है। यहाँ पर हमने जो कुछ लोगों को देखा, किसी ने जूते तक नहीं उतारे थे, क्योंकि इतना ठंडा जल था कि कोई जूते उतारे तो वहीं शून्य हो जाए। मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, ये शरीर बड़ा कमबख्त, बहुत दुष्ट है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, इसलिए दिव्या सिंह तो नहाएगी, कोई नहाए या ना नहाए। मैंने तो वहाँ पर नहाया, और आप देख सकते हैं किस प्रकार वसुधारा पूर्णतः ऊपर गिर रही थी। मैं नहा भी रही थी और वसुधारा जल का भी आनंद ले रही थी। यही आनंद, अब तो मेरे को आनंद आ रहा है, नीचे से पैर मेरे पूरी तरह जम चुके थे, मुझे नीचे उतरना था, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूँ। मैंने कहा चलो चलो दिव्या सिंह अब उतर लो, एक नहीं मैं दो बार मैंने स्नान किया उधर सर निकाल के, लेकिन अब उस जल से बाहर आना डिफ़िकल्ट हो रहा था, बहुत टफ था, पैर एक से दूसरे उस पर जा नहीं रहा था। लेकिन कैसे न कैसे करके मैं बाहर आ ही गई, और आके ऐसे ही एक चट्टान की, बड़ी सी चट्टान के पीछे मैंने वस्त्र जो है बदले वहाँ पर। और क्योंकि व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है, आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा है इसलिए इतने बड़े बड़े चट्टान हैं, चले जाओ, पैरों को कष्ट देना पड़ेगा, क्योंकि नंगे पैर थे मेरे, और मैं नंगे पैर में ही आगे चली गई, और ये दोनों भी मेरे साथ आई, और दोनों ने जो है मेरी हेल्प की, क्योंकि कपड़े भी पकड़े नहीं जा रहे थे, हाथ ऐसे हो गए थे, मतलब कैसे बताऊँ मैं। अब इसके बाद हम आगे चले, बाबा ने तिलक लगाया गले में, कंठी, आहा हा, आनंद आ रहा है। अब तो भैया मैंने ग्लव्स भी पहन लिए थे, ग्लव्स पहन के भी ठंड नहीं रुक रही थी, लेकिन अब आनंद आ रहा था, लेकिन शरीर एकदम हल्का हो चुका था मेरा, जैसे जैसे वो ठंड गायब हो रही थी, बहुत हल्की हो गई थी मैं। और ये मैं क्या बोल रही हूँ मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं शॉर्ट वीडियो में इसको डाल दूँगी, अगर आप कहोगे तो ही, वरना मैं नहीं डालूँगी अब। इस समय पता नहीं, दिव्या ठंड में थी ना, तो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी।
ये देखो अब बारिश, और आपको मैं एक और बात बताऊं, जैसे ही हम वहां से निकले बारिश पड़ना शुरू हो गई थी, जिसको कि मैंने हमेशा ही कहा है आप सबसे, हमने जब भी कोई शुभ कर्म किया है और प्रभु की प्रसन्नता हमें प्रतीत हुई है तब भगवान ने अमृत वर्षा की है। ऐसे ही यहाँ पर भी अमृत वर्षा हुई। एक तो हम भीग कर आए, ऊपर से भीनी भीनी छोटी छोटी बारिश, शायद मैं वही बता रही हूँ इस वीडियो में, और बताते हुए भीगते हुए मैं वैसे ही आ रही थी। बहुत आनंद आ रहा था, हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जीवन में हमने न जाने कितना बड़ा युद्ध मतलब जीत लिया है। सत्य कहूँ युद्ध से कम नहीं है इतने ठंडे पानी में नहाना, बहुत ज़्यादा। युद्ध में तो भैया एक तीर खा के टों हो जाओगे, लेकिन ठंडे पानी में नहा कर एक घंटे तक बॉडी को स्थिर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन अच्छा लग रहा था, और यहाँ पर शायद मेरी वही खुशी आप वीडियो में देख सकते हो। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ। और अब अपने आप को इस वीडियो को बनाते वक्त जब मैं देख रही हूँ तो मुझे हंसी आ रही है खुद को ही देखकर। चल भी ऐसे रही हो जैसे मेरे पैरों में स्प्रिंग लगी हो। लेकिन कान्हा जी की अनंत कृपा है, हमारे राधा रानी मेरे प्यारे करुआ बिहारी जी, इनके जीवन में आने से मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, और बड़ा होकर वो अपनी माँ को, सखी को, अपने भक्तों को इतने सुंदर स्थानों के दर्शन करा रहा है। अब देखो अंजू और सोना की जो चाल है वो तीव्र हो गई है, क्योंकि चढ़ने में जो टफनेस होती है उतरने में थोड़ा कम होता है, लेकिन उतरते उतरते पैर में ना हड्डी में मीन्स घुटने में थोड़ा दर्द हो गया। और ये है भाई प्रथम दुकान, यहाँ पर हमने पहले माँ पार्वती सॉरी माँ द्रौपदी के दर्शन किए, और दर्शन करते हुए अब हम जो है आगे बढ़ चुके हैं। और ये बीच में वीडियो आ गया केदारनाथ का, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, और खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरदास। अरे 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 अरे, मैंने वीडियो ख़त्म नहीं किया, मैं भूल गई थी, वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया। और साथ में ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि वहाँ से लौटने के बाद हमारी कंडीशन कैसी थी, और मैं सबका वीडियो दिखाने वाली थी। मेरे ना सच में घुटनों में थोड़ा दर्द हो रहा था बहुत तेज़, तो गर्म पट्टी, तो ये दोनों मेरा मजाक बना रहे थे कि सबसे ज़्यादा तुझे ही ज़रूरत पड़ रही है। हाँ भाई, ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तुम लोगों से आगे बढ़ के जो मैं गई थी, भाग रही थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा उस भागने की वजह से मेरे घुटनों में किट-किट कुछ हो गया था, और उसकी वजह से मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था। यहाँ पर आके टैबलेट पी, और ग्रीन टी हमने पिया, और ग्रीन टी इसलिए पिया क्योंकि ज़ुकाम और सर्दी ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी ग्रीन टी भी बहुत आनंद और फ़ायदा देती है। और यही बातें हम यहाँ पे कर रहे थे। साथ में मैं आपको और दिखाऊंगी कि हम लोग ने क्या किया, अभी इन लोगों का दिखाऊंगी, सब आके अपना अपना क्या कर रहे थे। यहाँ पे आधी बात हमारी चल रही है, ये देखो ये कुछ बोल रही है, पर यहाँ पे तो वॉल्यूम ही बंद हो गया है। शायद मैंने ऐसा वीडियो आप सबके लिए पोस्ट कर भी दिया है पहले भी, खैर आप दोबारा देख लीजिए। राधे राधे, श्री हरिदास।